वेलकम बैक अगेन हेलो एवरीबॉडी दिस इज़ योर होस्ट आसिफ ताज एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसफ़ ताज टैक सो इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा आप किस तरह से मैं आपको ओवरव्यू देता चलूँ वट वी हैव लर्न सोफो सो इन लास्ट कपल ऑफ वीडियोज़ मैंने आपको बताया आपने इस प्ले लिस्ट को कैसे किस तरह से वॉच करना है रोड मैप मैंने आपके साथ डिस्कस किया हमने फ्लटर की फ्लटर को इंस्टॉल किया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर नाउ इन दिस स्पेसिफिक वीडियो मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपने आप प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करेंगे एंड प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को आप किसी वर्चुअल डिवाइस और फिजिकल डिवाइस पर किस तरह से रन करेंगे ठीक है सो so, so, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम अपनी जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उस आप को किस तरह से एंड्रॉयड इम्यूलेटर के ऊपर रन करेंगे फिर फिजिकल डिवाइस के ऊपर किस तरह से रन कर सकते हैं एंड फ़िज़िकल डिवाइस के ऊपर रन करने के लिए आपको डिवेलपर मोड किस तरह से इनेबल करना है देन मैं आपको सिखाऊंगा आप किस तरह से सिम्यूलेटर यानी आई ऑपरेटिंग सिस्टम या आई ओ एस के ऊपर आपको रन कर सकते हैं एंड इन नेक्स्ट फेज़ में आपको सिखाऊंगा आप किस तरह से फ़िज़िकल डिवाइस के ऊपर या आई पैड्स के ऊपर अपनी एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं सो so, आइए हम स्टार्ट करते हैं एंड्रॉय uh, स्टूडियो आपने ओपन कर लेना है एंड देन आप यहाँ पर आ जाए न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट Okay, select flutter from here. Okay, then click on this next, give a name to your project. So, for example, I would give it as a dummy dummy project. Okay, now if you see you have different platforms: Android, iOS, Mac operating system, Linux, web, so what does it mean? So, for example, agar up chat कि ये ऐप सिर्फ एक स्पेसिफ़िक प्लेटफॉर्म के लिए क्रिएट हो तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए अपनी ऐप को बनाना चाहते हैं आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं सो यू सी मैंने एंड्रॉयड ऑलरेडी सेलेक्टेड है आईओएस ऑलरेडी सेलेक्टेड है सो so ये मेरा प्रोजेक्ट जब रन होगा तो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होगा अगर आप यहाँ से वेब के लिए कर रहे हैं तो ये आपकी एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन की वेब एप्लीकेशन के तौर पर भी काम करेगी वो भी मैं आपको करना सिखाऊंगा दैन यू वर्ट यू नीड टू डू आप यहाँ आ जाए एंड फिनिश के ऊपर क्लिक कर दें ओके नाउ जब आप प्रोजेक्ट को फिनिश करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा डिपेंडिंग अपॉन द स्पेक्स ऑफ योर प्रोजेक्ट और सॉरी योर कंप्यूटर ओके अगर वो फास्ट है तो जल्दी से आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा एंड अगर आपका uh, uh, लैपटॉप या yeah, आपका पी सी स्लो है तो इट विल टेक अ बिड टाइम सो मीन वाइल इन दैट टाइम आपने करना क्या है आपने थोड़ा सा वेट करना है एंड आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट अब यहाँ पर हमने करना क्या है यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले अपनी इस ऐप को ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है ओके न मैंने इसको अब आपके लिए एमुलेटर के ऊपर रन करना है एंड्रॉयड के लिए ठीक है न अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपने क्या करना है आपके पास यहाँ साइट के ऊपर एमुलेटर का ऑप्शन आ रहा होगा ठीक है ये देख रहे हैं अगर यहाँ पर नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर आ जाएं डिवाइस मैनेजर में ये साइड के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखें तो आपके पास इम्यूलेटर आ रहा है डिवाइस मैनेजर ओके नाउ मेक श्योर दैट यू फर्स्ट कम हेयर एंड वाइप द डेटा ओके okay, अगर आप इसको रन अगर आप इसको वाइप आउट नहीं करेंगे तो देर इज़ अ चांस कि आपके पास एक एक्सेप्शन आ जाए कि प्लीज़ आपकी डिवाइस के आपकी डिवाइस में डेटा स्पेस uh, uh, नहीं है तो आप इसको स्पेस इस को क्लियर करें सो so, मैंने देखें वाइप आउट किया तो मेरी यहाँ से स्पेस क्लियर होगी है नाउ आपने इसको यहाँ से ओपन कर लेना है ठीक है इन अ डैट लॉक सो या वेट यहाँ पर देखें आपने इसके ऊपर क्लिक किया लॉन्च किया अब आपका इम्यूलेटर यहाँ से वेट करें कि ये क्रिएट हो जाए जैसे आपका ये देखें ये क्रिएट होना शुरू हो गया है तो उसके साथ ही आपके पास इस इम्यूलेटर का नेम यहाँ पर आ चुका है ठीक है नाव यू कैन रन दिस प्रोजेक्ट ऑन इम्यूलेटर ठीक है सो इट विल टेक विच टाइम एटलीस्ट वन मिनट ऑन माई पी सी मैक्सीम एंड अगर आपका पी सी स्लो है तो थोड़ा सा उसके ऊपर ज़्यादा टाइम ले सकता है एंड देन आप अगर इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर दें तो आपके ये फुल आप प्रोजेक्ट यहाँ फुल इमुलेटर आपका यहाँ पर शो हो जाएगा ठीक है एंड अगर आप अपने प्रोसेस को देखना चाहते हैं कि आया आपकी ऐप आप रन हो भी रही है या नहीं तो आप यहाँ ये देखें ये रन आपके पास यहाँ पर आ रहा है रन में आ जाए एंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन हो रहा है या नहीं ठीक है so, सो इन जो पुराने कोर्सेज हैं फ्लटर के या कोई भी जो पुराने मेथड्स हैं उनमें मोस्ट प्रॉबली आपको किसी भी किस्म के एरर्स आ सकते हैं दैट्स वाई आई एम आई एम क्रिएटिंग दिस न्यू कोर्स एंड इसको क्रिएट करने का वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि आपको uh, बताया जा सके कि किस तरह से अब आपने अप टू डेट रह के काम करना है सो so, आपकी जो फ्लटर एप्लीकेशन है यहाँ पे देखें रन हो चुकी है एंड मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ तो यहाँ पर देखें आपकी एप्लीकेशन रन हो चुकी है एंड बाय डिफ़ॉल्ट आपके साथ एक ऐप भी क्रिएट हो चुकी है सो so, इस तरह से आप अपनी ऐप को इमुलेटर के ऊपर रन कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं ठीक है अब मैं इसको यहाँ से किल करूँगा और मैं अब यही ऐप फ़िज़िकल डिवाइस के ऊपर रन करूँगा ना फिज़िकल डिवाइस क्या होती है सो फिज़िकल डिवाइस जो आपके पास मोबाइल ऑपरे आपके पास जितने भी डिफरेंट मोबाइल्स हैं फॉर एग्जांपल अगर आप एंड्रॉड यूज़र हैं आपके पास एंड्रॉयड का फ़ोन होगा आपके पास डिफरेंट कंपनीज़ के फ़ोन होंगे जिस तरह से सैमसंग ओप्पो वीवो एंड वी हैव ओवा एंड एंड वन प्लस एंड एंड देर आर लॉर्ड फॉर अदर कंपनीज जो कि मोबाइल मोटरोला हो गई और भी बहुत सारी रिलायंस हो गई ठीक है जो एप्ली मोबाइल्स बनाते हैं नाउ गो टू योर एंड्रॉयड फ़ोन एंड वहाँ पर आपने क्या करना है उसमें आपने डिवेलपर मोड इनेबल करना है वो किस तरह से होता है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ ओके सो अगर आप बिगिनर हैं एंड आप अपनी uh, आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हैं एंड आपके पास इमुलेटर किसी भी रीज़न की वजह से नहीं चल रहा तो आप अपनी ऐप को फिज़िकल डिवाइस के ऊपर रन करना चाहते हैं टेस्ट करना चाहते हैं सो so वो आप किस तरह से करेंगे अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है आपने अपनी मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है ओके okay? मोबाइल की सेटिंग्स में जाने के बाद आपने अपनी अबाउट फोन की सेक्शन में जाना है ठीक है अबाउट फोन के सेक्शन में यू विल सी दिस वर्जन ठीक है सो आपने इस वर्जन वर्जन के अंदर आ जाना है एंड आपके पास यहाँ आप देख रहे हैं बिल्ड नंबर ठीक है अब आपने इसको सेवन टाइम टैप्स करना है ठीक है जब आपने सेवन टाइम टैप्स करेंगे आपके पास आ जाएगा यू आर नाउ अ डिवेल्पर जब आप इसको आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा देन आपने आ जाना है यहाँ पर सेटिंग्स में ठीक है सेटिंग्स में अब आपने यहाँ पर सर्च करना है डिवेल्पर ठीक है जब आप डिवेलपर सर्च करेंगे तो आपके पास ये डिवेल्पर वाला ऑप्शन ज़रूर आ जाएगा डिवेल्पर ऑप्शन आने के बाद आपने इसके इनसाइड आ जाना है ठीक है इनसाइड आने के बाद आपने यहाँ से डिवेलपर ऑप्शन को आपने इनेबल कर देना है ठीक है डिवेल्पर ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आप नीचे अगर आ जाए तो आपके पास एक होगा यू एस ठीक है आपने इस यू एस को भी इनेबल कर देना है ओके एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर फीचर्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं सो फॉर एग्जांपल डू नॉट यूज लॉक स्क्रीन ठीक है आप इसको इनेबल कर सकते हैं इसके अलावा और भी डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं एंड देन आपने करना क्या है आपने अपनी एंड्रॉयड केबल को अपने पी के साथ या अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करवा लेना है ठीक है सो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल ठीक है सो आपने जैसे ही अब आपने करना क्या अब आपने इसको अपने पी के साथ अपने एंड्रॉयड केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेना है देन आपका जो डी मोड है वो इनेबल हो जाएगा नव दैट नाव यू कैन सी दैट कि अब आपने डिवेलपर मोड इेबल कर लिया है अब आपने करना क्या है अपने आपका जो मोबाइल है आपने उसको अपनी केबल आपके पास जो केबल होती है चार्जिंग केबल विद यू एस बी पोड उसको आपने अपने पी सी के साथ कनेक्ट कर लेना है ठीक है अगर आपके पास एंड देन आप पी सी के साथ उसका सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे चार्ज ओनली ट्रांसफर फॉल्स एंड ट्रांसफर फोटो, तो आपने ट्रांसफर फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है ठीक है जैसे ही आप ट्रांसफर फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो साथ ही आपके पास यहाँ पर देखें आपकी डिवाइस का नेम आ जाएगा ये देख रहे हैं आप यहाँ पर आपकी डिवाइस का नेम आ जाएगा Now, आप आपने क्या करना है इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो आपकी ऐप आप जो है अब आपकी फिजिकल डिवाइस के ऊपर रन होगी ठीक है नव मैं आपको फिजिकल डिवाइस देखें कितना क्विकली आप हमारी ऐप्स ऐप्स जो हैं वो अब बिल्ड हो रही हैं नव आपने करना क्या है मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसको वाइज़र कहते हैं ठीक है ये वाइज़र सॉफ्टवेयर बेसिकली आपकी जो डिवाइस होती है उसको आपके पी के ऊपर मिरर कर देता है अब यहाँ से मैं इसको शेयर करता हूँ तो आप मेरी फिज़िकल डिवाइस जो है अब आप उसको देख सकेंगे जो आपको यहाँ पर देखें नज़र आ रही है ये वाली या सो अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको मेरी फिज़िकल डिवाइस यहाँ पर रन आ रही है जिसके ऊपर अब मैं फॉर एग्जाम्पल अपने मोबाइल के ऊपर टैप कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा देखें अब मैं अपने अपने पी अपने मोबाइल से इस ऐप को रन कर रहा हूँ यहाँ पर देखें आपको सेटिंग्स नज़र आ रही होंगी एंड ये थोड़ा सा लैग कर रहा है बिकॉज़ ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है बट एनी अगर आपको आइडिया हो गया होगा कि किस ऐसे अब आप अपनी ऐप को फिजिकल डिवाइस के ऊपर रन कर सकते हैं सो दैट्स इट ये था अगर आप विंडो यूजर हैं तो ये आपके लिए था क्योंकि अब अगर आप आप मैक यूजर हैं तो आपके आप अपनी ऐप को आ, आप आ, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या आप आईफोन या आप आईपैड्स आप के ऊपर नहीं रन कर सकते ओके okay? नाउ uh, अगर आप uh, म, मैक यूजर हैं तो यू नो दैट कि मैंने आपको सिखाया था किस तरह से फ्लट जब हम मैक फ्लटर इंस्टॉल कर रहे थे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर तो अब आपको याद हो तो आपके पास एक ऑप्शन आया था ओपन यहाँ पर हमने जब एक्स को इंस्टॉल कर लिया था मैंने आपको प्रोजेक्ट रन करके दिखाया था नाव यू हैव दिस थर्ड ऑप्शन इन दैट इज ओपन आई एस सिम्यूलेटर सो यहाँ पर अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका बाय डिफ़ॉल्ट आई एस सिम्यूलेटर यहाँ पर आ जाएगा देखें यह आपके पास आ चुका है ठीक है नव अब आपने करना क्या है अब आपने इस आयो सिम्यूलेटर को यहाँ पर देखें अब ये देखें इसको मैं ना मैं केबल से डिसकनेक्ट कर देता हूँ अपनी एंड्रॉयड फ़ोन को तो जैसे ही मैं इसको डिसकनेक्ट करूँगा आपके पास यहाँ से डिवाइस का नेम इसको रिफ्रेश कर लें तो यहाँ से आपके पास डिवाइस का नेम चला जाएगा इम्यूलेटर मैंने ऑलरेडी क्लोज कर दिया था सो अब मेरे पास एक चीज़ बची है एंड दैट इज़ ओपन आयोस इम्यूलेटर वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ओपन कर रखा है ओके एंड नाउ व्हाट आई नीड टू डू यहाँ पर देखिए मेरे जो सिमुलेटर का नेम है वो भी आ चुका है नाव इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ओके एंड आप देखेंगे कि मेरा ये जो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है अब ये आईफोन के ऊपर भी रन हो जाएगा ठीक है नाउ नेक्स्ट थिंग के हाउ वी कैन रन आवर दिस प्रोजेक्ट ऑन आवर रियल डिवाइस तो अब हम रियल डिवाइस के लिए आपने क्या करना है आपने आपके पास जो आईफोन डिवाइस है ठीक है अगर आपके पास है वेल एंड गुड अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपने अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपने आपके पास मेक श्योर एंड्रॉयड फ़ोन हो जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर डिबगिंग पर्पस एंड अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि आप किस तरह से सिम्यूलेटर यूज़ कर सकते हैं इम्यूलेटर यूज़ कर सकते हैं एंड देखें अब आपकी ये जो डिवाइस है ये अब आपके पास यहाँ पर भी रन हो चुकी है नाओ द नेक्स्ट थिंग कम्स इन के हम अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से रन करें ऑन फिज़िकल डिवाइस फ़िज़िकल डिवाइस आपको क्या चाहिए आपको आपका आईफोन चाहिए ठीक है या कोई भी ऐसी डिवाइस हो जो कि एप्पल um, का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करती हो उसने आपने क्या करना है ठीक है केबल जैसे ही आप उसको कनेक्ट करेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखें आपके पास ऑप्शन आ जाएगा आपकी डिवाइस आपकी यहाँ पर तो आप इसको अगेन रिफ्रेश कर लें ओके जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप यहाँ पर अगर डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं मीन वाइल देखें मेरा ये आईफोन टू यहाँ पर आ गया है ठीक है अब यहाँ पर दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट ठीक है अब आप यहाँ से रन करेंगे तो आपकी ये ऐप आप रन नहीं होगी आपकी फिज़िकल आईफोन डिवाइसेस पर ठीक है क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करता आपके एंड्रॉयड स्टूडियो को आपकी जो ये आईफोन वाली डिवाइसेस हैं सो so देन आपने क्या करना है आपने यहाँ पर आ जाना है अपने आई फोल्डर में अब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करें ठीक है एंड देन आप यहाँ पर आ जाए ओपन या आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एक्सप्लोर फाइंडर ओके फाइंडर में आप आ जाएँ एंड देन आप यहाँ पर देखें आई के ऊपर क्लिक करें आई ओ एस में आपके पास दो किस्म के फोल्डर हैं रनर एक्स कोड प्रोजेक्ट रनर डॉट एक्स एक्स कोड वर्क स्पेस आपने इस वर्क स्पेस को ओपन कर लेना है ठीक है अब आप इस वर्क स्पेस को ओपन करेंगे ना तो अब आपके लिए ये आई ओ एस से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है ना ये एक्स कोड में ओपन हो जाएगा सो फॉर द टाइम बिंग मैं आपको सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन दूंगा इस लेवल के ऊपर कि एक्सपोर्ट हम यूज़ करते हैं फॉर जो एप्लीकेशन्स होती हैं जो हम आई ओ एस के अंदर बिल्ड करते हैं आई ओ एस के लिए बनाते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन ठीक है आईफोन्स के लिए बनाते हैं सो so उन एप्लीकेशन को हम एक्सपोर्ट के अंदर बिल्ड करते हैं या बनाते होते हैं ठीक है लेकिन डिबगिंग के लिए हम अपना जो सिमुलेटर है एंड्रॉड स्टूडियो को ही यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप रियल डिवाइस के ऊपर रन करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को सो so, उसके लिए मस्ट है कि आपके पास एक्सकोड होना चाहिए एंड अगर आप रियल डिवाइस पर रन करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से देखें ये आपके पास आप जब मैंने डिवाइस ऑलरेडी कनेक्ट कर रखी है एंड यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास ये आईफोन यहाँ पर आ रहा है एंड मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ठीक है तो so, अब ये एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है एंड ये मेरे आईफोन के ऊपर रन हो रही है ठीक है जो मेरा रियल जो मेरी रियल डिवाइस है सो इट विल टेक अ बंच ऑफ टाइम एंड जैसे ही ये रन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ अगेन मैं प्रोसेस को रिपीट कर देता हूँ बहुत ही सिंपल प्रोसेस है अगर आप आईस अब अगर आप अपनी एप्लीकेशन को अब रियल डिवाइस के ऊपर टेस्ट करना चाहते हैं आपने उसको एक्स कोड में ओपन करना है ठीक है एक्स कोड में आपने उसको ओपन करने के बाद आपने करना क्या है उसको रन कर देना है आप और अपनी डिवाइस जो है वो आपने आईफोन के थ्रू कनेक्ट करनी है ठीक है अब देखें ये प्रोजेक्ट रन हो चुका है मैं आपको अपनी स्क्रीन अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मिरर करके दिखाता हूँ ठीक है सो ये मेरा आईफोन और मेरा लैपटॉप आपस में इंटर कनेक्टेड है सो मैं यहाँ से मोबाइल को मिरर कर सकता हूँ सो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें आपकी ऐप आप जो है ये डिवाइस के ऊपर रन हो चुके हैं और यहाँ देखें मैं टैप कर रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा है और इसको मैंने क्लोज़ किया तो तब भी आपको नजर आ रहा है अब आप इस एप्लीकेशन को देखें ये एप्लीकेशन भी मैंने फ्लटर के फ्लटर को यूज़ करते हुए बनाई है ठीक है ये हमारे एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट था यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है सो दीज आर सम ऑफ द ब्यूटीफुल एप्लीकेशन आई हैव क्रिएटेड विद फ्लटर और ये देखें ये रियल डिवाइस के ऊपर मैंने रन कर रखी है और ये रियल डिवाइस के ऊपर अब जो एप्लीकेशन है वो रन की थी ठीक है सो so, अब मैं इसको अन um, क्या कर देता हूँ स्टॉप मिरर कर देता हूँ एंड द अदर थिंग अभी यहाँ पर आप देखें तो आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शंस आ जाएंगे मैं इस अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से फिनिश uh, कर देता हूँ मैंने केबल अनप्लग कर दी है सो so, यहाँ पर देखें आपके पास बंच ऑफ डिवाइस हैं जिसके ऊपर आप रन कर सकते हैं so, सो यहाँ से देखें मैंने थर्टीन प्रो मैक्स ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है यहाँ पर अगर मैं अब एक्स कोड एक्स कोड के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को रन करूँगा ना तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी यहाँ पर आप आ जाएँ ठीक है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर एक डमी ऐप है एंड यहाँ से मैं एक्स कोड के थ्रू रन करता हूँ इसको तो यहाँ पर आप देखेंगे अब आप आपके पास एक सेकेंड डमी एप्लीकेशन रन हो जाएगी सो दिस इज़ हाउ यू कैन रन आपका जो फ्लटर का प्रोजेक्ट है इस तरीके से आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर आप उसको रन कर सकते हैं तो कितना खूबसूरत है लेकिन यह है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये जब स्टार्ट में फ्लटर लॉन्च हुआ था इट वाज नॉट दैट सिंपल आप इसको रन इस तरह से नहीं कर सकते थे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज थी बहुत इश्यूज होते थे वैन जब मैंने स्टार्ट में इसको सीखना स्टार्ट इस किया था एक्सकोर्ट से रिलेटेड बहुत इशूज़ आते थे अब तो बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस जो है वो सिंपल हो चुका है एंड एंड थिंगस आर वर्किंग मोर फास्टर दैन वी कैन इज़्यूम और प्रोसेस भी बहुत अच्छा हो गया है so, सो अब अब आपको जब फ्लटर आप सीखेंगे तो आपको इसको सीखने में बहुत मज़ा आएगा ठीक है सो यह देखें अब आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो चुकी है ठीक है एंड यहाँ पर देखें ये इसके बाद मैंने टैप किया अब ये एप्लीकेशन मैंने एक्स कोड के थ्रू रन की थी ठीक है सो अगेन पैकेज नेम सेम था इसलिए कुछ डिफरेंस यहाँ पर नज़र नहीं आया वही सेम एप्लीकेशन देखें आपको यहाँ पर नज़र आ रही है ठीक है सो या इस वीडियो में आई होप मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया होगा कि आप किस तरह से अपने फ्लटर प्रोजेक्ट को आप रन कर सकते हैं किसी भी डिफरेंट डिवाइसिस पर आप फिज़िकल डिवाइसिस पर आई पर आप आप किसी भी उसके ऊपर रन कर सकते हैं जैसा आपका दिल आई से मुझे याद आया कि यहाँ पर देखें आपके पास ये आई लिखे हुए आ रहे हैं ठीक है अगर आप यहाँ से ऐड एडिशनल सीम्यूलेटर करेंगे ठीक है और यहाँ पर सिम्यूलेटर में आ जाएं ओके यहाँ से अगर आप डिवाइसेस ऐड करना चाहते हैं इस प्लस के ऊपर क्लिक करें नॉट डिवाइसेस फाउंड डन आप यहाँ सिम्युलेटर पर आ जाएं ओके और सिम्युलेटर में यहाँ से ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिवाइस सेलेक्ट कर लें कोई भी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आईपैड सेलेक्ट कर लेता हूँ ओके आई पैड्स यहाँ देखें ऐपल वॉच जितनी भी आपके पास सीरीज है ना वो तमाम आपके पास आ रही हैं आई पैड मिनी नॉट मीनी ओके सो यहाँ से आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं एंड एड कर सकते हैं फॉर एक्ज़ाम्पल आए हमें इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो हम इसको नहीं रन करते अच्छा लास्ट थिंग आप अपनी एप्लीकेशन को वेब के लिए किस तरह से रन कर सकते हैं सो मेक श्योर कि आपके पास क्रोम क्रोम होना चाहिए ठीक है सो so, यहाँ पर देखें आपके पास ये क्रोम है ठीक है आपके पास क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल होना चाहिए आप इसके ऊपर सेलेक्ट कर लें आप इसको क्लिक कर लें तो मैंने स्टार्ट में जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ से चेक कर लिया अगर आप अगर डिफरेंट आपके पास ऑप्शन थे ना आप किस प्लेटफॉर्म के लिए इस एप्लीकेशन को बनाना चाहते हैं सो आपने वो प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया एंड आपने उसके ऊपर उसको रन कर लिया जिस तरह से अभी मैंने आपको वेब के लिए रन करना सिखाया है तो यहाँ पर देखें आपकी एप्लीकेशन बन चुकी है एंड द बेस्ट पार्ट इस के ये देखें ये कितनी ज़्यादा एडजस्टेबल है रिस्पॉन्सिव है तो इट ये इट सेल्फ आपके लिए आप देखें डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर रन हो चुकी है सो so, कंक्लूजन मैंने आपको सम अप कर दिया है एक एप्लीकेशन बनाएं डिफरेंट डिवाइसिस पर रन करें डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करें वेब के लिए रन करें एंड्रॉयड के लिए रन करें आई के लिए रन करें आई के लिए रन करें एंड द बेस्ट पार्ट इस किस आपने सिर्फ सिंगल कोड लिखना है सब प्लेटफॉर्म्स के लिए ठीक है या yeah, सो so, आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी आई नो इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी है बट अगर आपने स्टार्ट से इसको देखा है तो आपकी नॉलेज और आपकी नॉलेज स्किल सेट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें uh, इसके अलावा आप मुझे लिंक के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम के की मेरी फेसबुक कम्यूनिटी ज्वाइन जरूर ज्वाइन कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड जहाँ पर मैं लाइव भी आता हूँ आपके साथ चिट चैट भी करता हूँ एंड आपके क्वेश्चन को भी आंसर करता हूँ या सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन